हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशु मोनो व्लॉग में। तो गाइस देखिए, सुबह का टाइम है और सुबह का नाश्ता हो रहा है। तो मेरा भाई जो है नाश्ता कर रहा है और यहाँ पर देखिए कायो खेल रही है। अभी श्रेयो उठा नहीं है, सोया है। यहाँ पर देखिए मम्मी बैठी हुई है। हे गुड मॉर्निंग गाइस, और बताइए आप सब कैसे हैं। मैं तो यहाँ बहुत मस्त हूँ, मैके में मस्त इंजॉय कर रही हूँ। और अभी ना यहाँ तो काफ़ी लेट से उठी हूँ मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। भाभी है तो भाभी अपना कुछ काम कर रही हैं, भाई के लिए अपना टिफिन वगैरह बना रही हैं। और मम्मी ना बाबू तो सोया हुआ है। मम्मी कायू को खिला रही है वो बाहर में। देखिए और भाभी भाई नाश्ता कर रहा है, अब वो जाएगा अपना ड्यूटी में। और हम लोग क्या है, अभी मैं चाय नहीं पी हूँ तो जा रही हूँ, फिर मैं चाय बनाती हूँ फिर पीऊँगी ना। तो यहाँ पर ये जो ज़मीन दिख रहा है ना, और ये ज़मीन को ना पापा लोग लिए हुए हैं, तो अभी बनवाए नहीं हैं, बनवाएंगे बाद में। और यहाँ पर देखिए कायू झांक रही है अंदर जाने के लिए, जो कि ना मना कर रही हूँ, क्योंकि उधर अंदर में उसकी मम्मी काम कर रही है। कि दादी पकड़ी हुई है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर गाय को खाना दिए हैं तो खा। देखिए मम्मी लोग ना इसको घेरा लगा के कुछ कुछ पेड़ पौधे उगाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर, और ये ना देखिए छेना रखे हुए हैं, इसमें ना अंगाकर रोटी बनाते हैं। अंगाकर रोटी बहुत टेस्टी लगता है गाइस, अंगाकर रोटी ना। और यहाँ पर देखिए भाई मेरा जा रहा है अपना ड्यूटी, और कायू बाय कर रही है अपने पापा जी को। तो देखिए अब आ गई हूँ अंदर मैं चाय बनाने के लिए, तो चाय बना रही हूँ। और आज ना लाइट ऑफ है यहाँ, यहाँ का मतलब शायद एक फेस बंद है यहाँ लाइट, आधा जगह लाइट है आधा जगह लाइट नहीं है। तो हम लोग ना हॉल में ही ले आए थे इंडक्शन को, वहीं पर चाय बना रहे थे, वहाँ का लाइट था। तो और अब आ गई हूँ मैं किचन में पोहा निकालने के लिए। आज भाभी बनाई है साबूदाना का पोहा, तो अभी नाश्ता करूँगी मैं। और श्रेयू अभी सोया हुआ है, जैसे ही उठेगा तो फिर मैं उसको नाश्ता करा दूँगी। तो देखिए साबूदाना का पोहा बनाई है, और ये देखिए अब ना मैं खा रही थी ना, उसके बाद वो भी आके उठ गया था श्रेयू, तो फिर मैं उसको भी खिला रही हूँ, इसको पानी वगैरह पिला दी हूँ। और उसको साबूदाना का पोहा खिलाई, लेकिन एक दो बार बाइट खाया उसके बाद नहीं खाया। तो फिर ना उसके लिए मैं चीला बनाई हूँ और उसको चीला खिला रही हूँ, क्योंकि वो नहीं खाऊंगा बोला ना। तो देखिए यहाँ पर ना चीला बना के ले आई मैं, और कायू भी खा रही है और उसको भी मैं खिला रही हूँ। तो देखिए साथ ही साथ में ना उसके बाद से बाबू को नाश्ता वगैरह करा के फिर उसको ना नहला धुला के रेडी कर दी, और उसका कंघी कर रही हूँ देखिए यहाँ पर। और ना यहाँ पर मम्मी जो है ना कायू को रेडी कर रही है, तैयार कर रही है मालिश वगैरह करके। और उधर मैं श्रेयु को मालिश वगैरह करके तैयार कर दी हूँ और उसका कंघी कर रही हूँ। जैसे भी बाबू रेडी होके सका ना, उसके बाद भाभी अपना कटिंग करने के लिए बोली, तो उसको कटिंग करी। उसके बाद ना मैं भी अपना रेडी होने के लिए चली गई, तो नहा धो के अपना रेडी हो गई। और फिर उसके बाद मैं देखें आ गई हूँ ऊपर, तो छत नहीं जा रही हूँ, यहीं पर ही रस्सी है, मम्मी लोग यहीं पर ही सुखाते हैं, तो यहीं पर मैं ना सब कपड़ा को सुखाने के लिए लेकर आ गई। कपड़ा को तो भाभी धो दी थी, और तो मैं सोची चलो ड्रायर कर देती हूँ, उसके बाद ना सुखाने के लिए ले आती हूँ मैं। तो वही सुखाने के लिए लेकर आ गई हूँ, और दोनों बच्चे उधर खेल रहे हैं, नानी उसकी देख रही है वहाँ पे। तो मैं इधर ना काम कर लेती हूँ, फटाक से कपड़ा को सुखा लेती हूँ। छोटा छोटा कपड़ा है ना, तो थोड़ा सा देख देख के सुखाना पड़ता है, इधर ग्रिल में भी इधर फिर उधर, ऐसा बड़ा कपड़ा को। तो यहाँ पर देखिए
तो गाइस देखिए, हो गई हूँ मैं रेडी नहा धोकर और कपड़ा इधर सुखाने के लिए आई हूँ। सूख गया है कपड़ा मेरा। अब जाऊंगी नीचे, फिर तैयार होंगी। तो देखते हैं, अभी कहीं जाने का प्लान तो नहीं है, बट जाएंगे करके तो सोच रही हूँ। मेरी फ्रेंड फोन की थी तो वो बोली थी कि जाएंगे मार्केट सामान लेने के लिए, मेकअप का कुछ कुछ और बचा हुआ है उसको। तो अब देखते हैं कितना टाइम जाते हैं, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर जैसे ही मैं नीचे उतरी ना, उसके बाद से ना मैं जाकर कंघी वगैरह कर ली, तैयार हो गई। और उसके बाद ना यहाँ पर बाबू बोला, श्रेयो कच्चा बादाम लगाओ, तो गाना लगाई कच्चा बादाम। और देखिए बच्चे लोगों के साथ में मैं भी बच्ची बन गई। और ना सबके सब हम लोग डांस कर रहे हैं। यहाँ पे कायू भी कर रही है, वहाँ पे पड़ोसी की एक बच्ची आई हुई है वो भी कर रही है। तो देखिए यहाँ पर ना मस्त लग रहा है बच्चे लोगों के साथ में खेलना कूदना, ऐसा टाइम नहीं मिल पाता है। और बाकी टाइम मिला ना तो देखिए यहाँ पर ना काफ़ी खुश हैं सभी बच्चे लोग और मैं भी। यहाँ पर हो गया हम लोगों की मस्ती। और देखिए यहाँ पर श्रेयु ना ऊपर चढ़ रहा है, छत में जा रहा है, तो मैं भी उसके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मम्मी लोग कितने सारे पेड़ पौधे सब उगाए हुए हैं, काफ़ी तरह तरह के फूल पेड़ है। तो देखिए यहाँ पर ना मतलब गार्डन जैसा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर श्रेयु को ना थोड़ा सा खिला दूँगी वो भी। तो ये देखिए रोज़ का है, यहाँ पर मिर्ची का पेड़ है, एक मिर्ची भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा खिलाऊँगी, उसके बाद फिर नीचे जाऊँगी मैं। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।